पूरे देश में जहां लगातार कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ती ही जा रही है, इसी को देखते हुए उत्तर मुंबई में आर साउथ और पी साउथ में भारतीय जैन संगठन द्वारा मिशन जीरो अभियान की शुरुआत की गई है। इस अभियान की कोऑर्डिनेटर डॉक्टर नीलू जैन ने बताया कि मिशन जीरो की शुरुआत 14 मई से 12 सितंबर तक तकरीबन 3.5 लाख लोगों की स्क्रीनिंग हमारे प्रचार एम्बुलेंस द्वारा की गई। मैं डॉक्टर नीलू जैन, भारतीय जैन संगठन जो मिशन जीरो चल रहा है 14th मई से, जिसमें हम स्क्रीनिंग कर रहे हैं कोविड के पेशेंट्स की आर वार्ड में, पी नॉर्थ में, सारे नॉर्थ मुंबई में जो कर रहे हैं उसकी मैं कोऑर्डिनेटर हूँ। हमारे यहाँ से अंधेरी डिपोट से एक साथ 14 मई से कम 20 एम्बुलेंस वैन्स आ रही है, जो हर सेंटर में जा रही है। जैसे आर वार्ड में बोरीवली, कांदीवली और दहीसर, तो बोरीवली में रोज की कम से कम 10 गाड़ियाँ जाती थी 14 मई से, और ऐसे करते करते आज हम लोग का जो दिन है 12 सितंबर, वो हमारे कैंप्स का आज लास्ट डे है। लेकिन फिर भी हमारे प्रचार रथ और एक्सरे वैन्स जो घूम रहे हैं, वो अभी भी हर जगह जाके अपने एक्सरेज और प्रचार करेंगे एंटीजन टेस्टिंग का बीएमसी से। और ये जो कैंप्स हुए हैं, इसमें हमने लगभग 3.5 लाख लोगों की स्क्रीनिंग की है, और हमने सस्पेक्ट्स ढूंढे हैं कम से कम 22,000 लोग, और उसमें से जो एक्टिव एंटीजन टेस्टिंग और आरटीपीसीआर से हुए हैं, बीएमसी के साथ मिलके हमने ये सब कार्य किया है मिशन जीरो। और ये सब पहले तो 14th में से हम खुद बीजेआई से ये कैंप्स कर रहा था। मान है ये भगत सिंह कोश्यारी जी के मिला है, और जो हमारे MLA हैं सुनील राणे जी और हमारे मुंबई के प्रेसिडेंट हैं मंगल प्रभात लोढ़ा जी, इनके रिकमेंडेशन से मुझे ये सम्मान मिला है। मैं इन सब की शुक्रगुजार हूँ, और मैं भारतीय जैन संगठना से हमारे जो माननीय भाऊ हैं, जो इनके फाउंडर हैं शांतिलाल जी मूथा और मदन संदेशा और राहुल नाहटा जी, जिन्होंने मुझे ये मेरे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी और मुझ पे विश्वास किया कि नॉर्थ मुंबई में मैं ये कार्य कर सकूँगी, इन सबका मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर धर्मिष्ठा परमार है। मैं अभी BGS और BMC के साथ कनेक्टेड, हम ये एक्सरे का वैन ऑपरेट करते हैं। हमारा वैन डेली BMC के साथ और BGS के कैंप में घूमता है, उसके बाद हम दोपहर के बाद हम क्वारंटाइन सेंटर में विजिट करते हैं, एंड जितने भी कोविड पेशेंट होते हैं उनके चेस्ट और लंग्स में जो भी निमोनिया का फाइंडिंग्स रहता है, हम उस पर रिपोर्ट करते हैं और आगे BMC को फॉरवर्ड करते हैं। पॉजिटिव जो भी पेशेंट रहेगा उसका आगे ट्रीट करते हैं हम लोग। और ये हमारा एक्सरे मशीन है, फुल्ली डिजिटल मोबाइल एक्सरे मशीन है। जब भी हम पेशेंट को वहाँ पे पोजिशन देके खड़ा करते हैं, उसके बाद हमारा इमेज कैप्चर करते हैं, एंड वो इमेज कैप्चर करने के बाद ये इमेज यहाँ इमेज पायलट करके एक ऐप एप्लीकेशन है सॉफ्टवेयर, उस पर इमेज को ट्रांसमिट होता है। वो ट्रांसमिट होने के बाद इमेज को एडजस्ट करने के बाद हम उसको इमेज को फिल्म प्लस में ट्रांसफ़र करते हैं, और फिल्म प्लस में ट्रांसफ़र करने के बाद हमारा एक और एक सॉफ्टवेयर है विच इज़ थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो ऑपरेट करते हैं, एंड वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू हम यहाँ पे पेशेंट को रिपोर्ट बनाते हैं, और वही रिपोर्ट्स हम पेशेंट को और जो भी रिस्पेक्टेड डॉक्टर आर वार्ड के रहते हैं या फिर जो भी क्वारंटाइन सेंटर के होते हैं उनको हम आगे फॉरवर्ड करते हैं।